हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जो लोग नए हैं चैनल पे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आप कमेंट करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि आप हमारे वीडियोज को देखते हैं और उस पर रिएक्ट भी आप करते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइज, मैंने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में आज था मैदा, उसके अलावा करेला का भुजिया था और रोटी है ना, तो ये था। दाल मैं इस समय लेता हूँ एक कटोरी, चूँकि प्रोटीन की काफ़ी आवश्यकता है इस समय। तो दाल खाना आ चुका है, ये रोटी दाल है, बरबट्टी आलू की सब्जी है और ये है आपका करेला का भुजिया और ये है छेना जो दूध से फाड़ के निकाला जाता है छेना। तो आ चुका है ये भोजन, तो आइए आप भी। गाइस, मैं बता दूं कि बहुत दिनों के बाद मैं इस रूम में आया हूँ। तबीयत जब से ख़राब हुआ था तब से इधर आना जाना बंद था, तो काफ़ी गंदे हो पड़े हैं टेबल्स वगैरह। देखिए कितने धूल डस्ट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं पता नहीं, लेकिन काफ़ी धूल डस्ट इसमें है। तो इसको हम साफ़ करेंगे, कल साफ़ करेंगे, चूँकि मास्क वगैरह लगा के और गीले कपड़े से इसको साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज धूल जो होता है उठता है, फिर उससे एलर्जी वगैरह की समस्याएं होती हैं। तो इसलिए कभी भी सूखे कपड़े से आप साफ़ नहीं कीजिए, गीले कपड़े से टेबल वगैरह जो भी हैं उसको रैग वैग साफ़ कीजिए, क्योंकि उस पर डस्ट होते हैं ना। तो इधर आना जाना बंद ही था। देखिए बोर्ड पे अभी भी कुछ लिखा हुआ है ना, जो मैंने पढ़ाया है वो इस पर लिखा हुआ है ना। और ये देखिए कैलेंडर, तो मई तो अभी चल रहा है 24, आज 23 है ना, 24 कल है। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक माइक लिया हुआ था, ये बोया का माइक है, मैंने YouTube वीडियो देखकर ही लिया था। उस पर कई लोगों ने रिकमेंड किया हुआ था कि ये माइक, चूँकि पढ़ाने के पर्पज से मैंने लिया हुआ था, चाहे कुछ रिकॉर्ड करना हो बोलना, तो चूँकि स्पष्ट यानी क्लियर वॉइस क्वालिटी के लिए मैंने लिया हुआ था। तो ये बहुत दिनों से ऐसे ही रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल उतना हुआ नहीं है। और ये पता नहीं इसमें भी कई क्वालिटी के आते हैं। मैंने जो लिया है ये लगभग पड़ा है 850 का पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा है कि उतना हाई क्वालिटी का जो साउंड होना चाहिए वो साउंड इससे नहीं आता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कई लोग बताते हैं इसमें और थोड़ा सा कॉस्टली या फिर ऐसे को, बट लेकिन काम चलाऊँ इसमें आ जाता है। और ये है ऐसा, बिल्कुल दिखने में तो ऐसा ही होता है, मैंने और भी महंगे वाले भी देखा ऐसा ही होता है, बट क्वालिटी में निश्चित ही अंतर होता होगा, डिफरेंस होता होगा। आजकल का दिनचर्या कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल है, बाहर आना जाना कम ही होता है, मार्केट वगैरह हम लोग जाते हैं तो अपने फोर व्हीलर से या टू व्हीलर से, मौसम ठीक रहता है तो टू व्हीलर से चले जाते हैं, इसलिए कि फ्रूट्स वगैरह खरीदने रहते हैं, साथ ही वेजिटेबल्स वगैरह, कुछ खाने पीने की राशन की चीज़ें, मेडिसिन बीच में लाना था, तो इसलिए जाना तो पड़ता ही है। बट मास्क वगैरह बढ़िया सैनिटाइज करके, सैनिटाइजर वगैरह लेकर हम लोग जाते हैं। और ये आजकल तो बचाव ही सुरक्षा है, तो इसलिए बचाव रखना पड़ेगा। वीकनेस बहुत दिनों तक रहता है, जैसा हम भी फील कर रहे हैं, इसलिए कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों गाइज की स्वास्थ्य ही धन है ना, बिल्कुल ये सटीक बात है, हेल्थ इज वेल्थ। तो ये बिल्कुल सही बात है, अगर आपका हेल्थ सही है तो सब कुछ है आपके लिए। अगर हेल्थ ही सही नहीं है तो फिर दुनिया की कोई भी खुशी आपके आपको खुश नहीं कर सकती है ना। तो इसलिए हेल्थ के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, और अब तो हम अपने डेली रूटीन में इसको डालेंगे और अभी कंटिन्यू कर भी रहे हैं कि कम से कम थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा है ना, और साथ ही फ्रूट्स वगैरह हमेशा अपने डाइट में मेंटेन करें, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हल्का फुल्का, और वाटर चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कम से कम 3 लीटर, 2 से 3 लीटर कम से कम, यानी तो उससे ऊपर ही, क्योंकि हाइड्रेशन शरीर में बढ़िया से बनी रहे, शरीर हाइड्रेट रहे है ना। दोस्तों अभी बजे हैं 1 और मैं अभी दोपहर का भोजन कर लिया हूँ, और थोड़ा सा मैंने किया है, उतना मन नहीं था,
तो मैंने थोड़ा सा कर लिया है हल्का भोजन। और चलिए मैं थोड़ा आपको बाहर दिखाता हूँ कि बाहर का क्या नज़ारा है। और अभी तो दोपहर काफ़ी है इसलिए धूप भी है बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं बहुत धूप है। चलिए ये देखिए, देखिए बाप रे कितनी धूप है। और ये बिल्कुल सन जो है बिल्कुल माथे पे, आप देख सकते हैं। और गाइज ये हम अपने घर के सामने क्रिसमस का ट्री है, इसको क्रिसमस ट्री या पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देखिए इसको हम लोग लगाए हैं, थोड़ा सा छाया यहाँ पे बना रहता है, हमेशा धूप में छाया बना रहता है, थोड़ा सा राहत मिलता है। इधर देखिए अभी तो बाहर कोई नहीं है दूर दूर तक, है ना, सभी अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। अच्छी बात है, धूप में इस समय लू लगने का भी चांस रहता है, तो इसलिए धूप में ज़्यादा नहीं निकलिए। कोशिश कीजिए कि शाम को या सुबह में अपना काम निपटा लें। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज तो यश नाम का एक तूफान का भी अलर्ट बिहार में है। आइए अब यहाँ बैठ के बात करते हैं। अंश, अंश कहाँ है? इधर आ रहा है। ये अंश देखिए ये सब सो नहीं रहा है, कब से? हाय बोल दो। हाय फ्रेंड्स, पूछो कैसे हैं? कैसे हैं आप? गाइज बोला जाता है, गाइज। हाय गाइज। हाय गाइज। ये सब भी अपना एक छोटा सा मोबाइल से ब्लॉग बनाता है, लेकिन इंटरनेट नहीं है तो कहाँ डालेगा ना। इधर आ, देखा दिखाओ तो जरा मोबाइल। इधर आ तो प्रणय। हाय गाइज, कैसे हो? कैसे हो? अच्छे हो आप लोग? यस। बोलो अच्छे हो आप लोग? अच्छे हो आप लोग? बोलो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। शेयर कीजिए। शेयर कीजिए। और कमेंट कीजिए। कमेंट। ये देखिए शर्माता है सर, देखिए ये नया पे शर्माना सीखा है, तो अभी तक ठीक था सर। देखिए अच्छा जी, ये टीवी देखने के लिए आया, देख सकते हैं आप। ये देखिए टीवी ऑन कर रहा है ये, वाह वाह, टीवी देखने के लिए। अपने आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपने चैनल लगा दिया हुआ है, नंबर को दबाओ। तो ये टीवी देखने आया है सब, यहाँ पे टीवी लगा है आप देख सकते हैं। तो यही देखने आया है सब, ऑन कर लिया, एक अंदर जाके अंदर ऑन। तो गाइस बच्चों का भी समय, चूंकि स्कूलिंग नहीं है और ट्यूशन वगैरह कोचिंग बंद है, तो इस वजह से ये लोग भी बोर हो रहे हैं घर पे रहते रहते, तो हम लोग भी थोड़ा सा फ्री कर देते हैं। जब ठीक है देखिए कुछ देर एक घंटे देख लीजिए, ज्यादा देर नहीं। तो ये अपना देखते क्या है, वही सब कार्टून वगैरह देखते हैं, कार्टून वाला चैनल लगा लेते हैं कुछ ना कुछ। पता नहीं कौन कौन से देखते हैं, एक छोटा कार्टून देखता है डिस्कवरी किड्स पे। कौन सा है? अच्छा कैरेक्टर का नाम बताओ, कौन कौन है? छोटा भीम है, कौन है? लिटिल सिंघम देखता है, लिटिल सिंघम। और कृष्णा और वो बल्लू वाला कृष्णा देता है। बल्लू गुलगुदी उसको बोलता है, कितना गुलगुदी बोलता है। आ जा इधर इधर। भालू बियर को क्या पसंद है? बियर को शहर पसंद है, वो शहर अच्छा दिखाता है। ये कहाँ देखा तुमने? हाँ ये देखे, इसमें ही देखे। क्या बोल रहा था? लाल 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 बुरा हाल कर दूंगा, बुरा हाल कर दूंगा, पूरा हाल। अच्छा तो गाइस जिनको इतना ज्यादा पसंद आता है ये कार्टून, ऐसे बच्चों सभी बच्चों को पसंद ही आता है ये कार्टून, इतना ज्यादा देखना चाहते हैं ये। नहीं डांटो तो दिन भर ये लोग देखते रह जाएंगे। एक दिन तो हम लोग यहाँ पे नहीं थे, गए बैठे टाउन में किसी काम से, तो ये लोग दिन भर उस दिन देख रहा है कार्टून, शाम को बोल रहा है कि नींद लग रहा है हरदम। तो गाइज मैं अभी बाहर बैठा हुआ हूँ और अभी मैं लेमन टी पी रहा हूँ, ठीक है आप भी आइए। और ये देखिए बच्चे आपको देख रहे हैं, सो गए आज और अभी उठे हैं, तो थोड़ा सा मन लग रहा है, जैसे लग रहा है मन कर रहा है कि और सो जाए, है ना, तो ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों अभी मैं बाहर बैठा हूँ और दोस्तों अभी शाम हो चुके हैं, लगभग 6 बज चुका है,
और चांद दिखाई दे रहा है लेकिन अभी काफी उजाला है, है ना। चांद दिखाई दे रहा है आकाश में लेकिन अभी काफी उजाला है। तो गर्मी का दिन है तो 7 बजे के आसपास में अंधेरा होता है ना। तो गाइज मैं अभी वॉकिंग कर रहा हूँ, थोड़ा शाम को मैं टहल लेता हूँ। हेलो गाइज, तो ये हमारा रात का भोजन आ गया है, डिनर। तो चलिए दिखाते हैं आप। और दोस्तों ये देखिए रोटी है और ये बना है दाल का, वो क्या बोलते हैं उसको, और ये प्याज है और फिर ये लहसुन और जो मिर्च होता है उसका चटपटा सा बना है, उसको थोड़ा सा भून कर, ठीक है। तो ये बना हुआ है, आज रात का भोजन है मेरा। फिर इसके बाद हल्दी वाला दूध हम लोग पियेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आप भी खा रहे होंगे अभी। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कल। तो चलिए